पहले ही बजट में तोड़ी निर्मला ने कई पुरानी परंपराएं। ना ब्रीफ केस आया और ना ही इसे बजट कहा वित्त मंत्री ने। लाल कपड़े में लपेट का देश का बही खाता पेश किया गया। पश्चिमी संस्कृति से निकलकर देश की परंपरा अपनाने की कवायद। नवगठित मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। ऐसा पहली बार है जब किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया हो। इसके अलावा और भी कई बदलाव देखने को मिले इस बार के आम बजट में। सबसे पहली बात, इस बार यूनियन बजट का नाम बदल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में इसे देश का बही खाता कहकर पुकारा। भारत में पहली बार एक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इस बार के बजट में कई चीजों में बदलाव देखने को मिले, जिसकी शुरुआत बजट रखने वाले ब्रीफकेस से हुई। सालों पहले से बजट को रखने के लिए खास ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन शुक्रवार को जब निर्मला सीतारमण बजट लेकर निकली तो उनके हाथ में वो खास ब्रीफकेस दिखाई नहीं दिया। इसके बाद लोगों को एक खास लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया। निर्मला सीतारमण इसी लाल कपड़े में बजट के दस्तावेज लेकर गई। ब्रीफकेस वाली परंपरा बदलने के पीछे सरकार का ये कहना है कि ये वेस्टर्न संस्कृति से बाहर आकर देश की पुरानी परंपराओं से जुड़ने की शुरुआत है। लाल रंग भारतीय परंपराओं के हिसाब से शगुन का प्रतीक है, वहीं बजट का नाम बदलकर वित्त मंत्री ने इसे इस बार देश का बहीखाता कहकर पुकारा। वैसे बजट में इस्तेमाल होने वाले ब्रीफकेस का रिश्ता 159 साल पुराना है। भारत के बजट और वित्त मंत्री के रेड सूटकेस के बीच का रिश्ता बेहद दिलचस्प है। ये रिश्ता साल 1860 से बना हुआ है, यानी कि ये रिश्ता 160 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक चला आ रहा था, जिसे बदलने के साक्षी निर्मला सीतारमण बनी। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश बजट को भी इसी सूटकेस में लाया गया था, लेकिन इस बार के बजट को एक नए अंदाज में पेश करने के पीछे सरकार की मंशा इसे अपने देश की परंपराओं में ढालना है। तो इस तरह इस बार का आम बजट, माफ कीजिए, देश का बही खाता कई मायनों में नया रहा। इसे पेश करते वक्त नए बदलावों के साथ इसमें नया आकर्षण भी देखने को मिला। अब देखना यह है कि नए कलेवर में देश का बही खाता पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नीतियां देश के आर्थिक विकास में कितनी असरदार साबित होती हैं।